वजीर सेहत हरीश राव ने निशानदेही की है कि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में कोरोना के मामलों में कमी हुई है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि तेलंगाना में कोरोना के मामलों में भी कमी होगी। ताहम उन्होंने आवाम को इंतबाह देते हुए कहा कि वक्फे वक्फे से हाथों को धोने के साथ साथ मास्क का इस्तेमाल करें। हरीश राव ने कहा कि आवाम को रियासत में जारी घर घर फीवर सर्वे के दौरान ताउन करना चाहिए। उन्होंने संगारेड्डी जिले के भरतनगर डिवीजन के हदूद में मुख्तलिफ मकामात पर फीवर सर्वे का मायना किया। उन्होंने सर्वे के दौरान अवाम से मुलाकात करते हुए उनमें बेदारी भी पैदा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दो दिनों से तकरीबन 29,20,000 मकानात का सर्वे के दौरान अहाता किया गया और तकरीबन 1,00,000 होम आइसोलेशन किट्स की तकसीम का काम अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि फीवर सर्वे के मौके पर आवाम ताउन करें। उन्होंने वाजे किया कि कोविड को काबू में करने के लिए हुकूमत तमाम तरह के इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि आइंदा 4 से 5 दिनों के दौरान फीवर सर्वे का काम 100% मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत में 56,000 बिस्तरों को तैयार रखा गया है। कोरोना से मुतासर होने वाली हामिला खवातीन को तशवीश की जरूरत नहीं है। हामिला खवातीन के इलाज के लिए रियासत भर के सरकारी दवाखानों में खसूसी इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने आवाम पर जोर दिया कि वो इलाज के लिए खानगी दवाखानों का रुख ना करें क्योंकि उन दवाखानों में जायद रकम ली जा रही है। बाद हजार वजीर सेहत ने कलेक्ट्रेट संगारेड्डी में जिले के अराकीन पार्लियामेंट और असेंबली के साथ जिले में दलित बंधु और हमारा गांव हमारा स्कूल स्कीम पर जायजा इजलास मुनक्किद किया।